शक्ति रूपेण संस्थितास्ति। नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। Yeah.
Yeah.
दीवान परिवार को महारानी की इस पावन चौकी की लाख लाख बधाई हो। मेरी प्रार्थना है अनुराधा दीदी से कि वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएं। ये कोई बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पर मैंने सत्संग किया था, पापा जी पेंशन सत्संग किया। आवो आवो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भेंट मैं गा रहा हूँ ना, ये भेंट अनुराधा जी ने मुझे लिख के भेजी थी और ये भेंट ढुक भी रही थी पूरी, इसीलिए मैं गा रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि पापा जी ने जान तो पहला तो अनु सारिया नु राइटर बनाता था। पवन चड्डा जी बहुत बढ़िया लिखते हैं और ये भेंट जब मैंने सुनी मेरे से रहा नहीं है, तो ये आपकी आपके दिल के जज्बात में भगवती झंडे वाली माँ से कहने की जरूरत। आवो 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 नहीं आवो जी कल मेरे मैं शगन मनावा। Thank you.
फकीरा फकीरी दूर है, जितनी के लंबी खजूर है, चढ़ जावे पीने प्रेम रस, गिर गया तो जग ना चूर है। ओ संदीप ने माये जगदा पल्ला पड़िया ये वही जो मुझे लाइक करते हैं। अरे माता रानी ब्लेस यू भाजी, हम अरे हम ज्यादा आ रही है तो नहीं आ पाई। भगवती माता रानी ने, मैं ये नहीं कहूंगा क्या है, लेकिन माता रानी ने ढेर सारी खुशियां इकट्ठे दे दी। पहले मैं कह के गया था माता रानी जल्दी जल्दी खुशियां दे, मैं आऊंगा। खुशियां मिल गई और एक साथ कितनी खुशियां मिल गई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स भी करता हूँ, आपकी ओर से महारानी का थैंक्स करता हूँ। और आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारा परिवार यहाँ पर मेरे पास आकर बैठे, ठीक है, सारा परिवार यहाँ पर मेरे पास आकर तुम कृपा करो महारानी, जन पर कृपा करो, कृपा करो महारानी, जन पर कृपा करो, कृपा करो महारानी, जन पर कृपा करो, जन पर कृपा करो, सब पर कृपा करो, जग पर कृपा करो, जन पर कृपा करो, दामाद को, और जिसकी शादी होनी है वो कहां पर है, यहां आकर बैठो, सारा परिवार यहां पर आकर बैठो मेरे पास। मैनू भी पता लगे मैं गाना है। लड़की वाले भी आएंगे ना यहां पर? अच्छा, होशियारपुर वालों जय माता की। भैया मैनू बड़ी खुशी हुई श्री पवन चड्डा जी परिवार के साथ, भाटिया जी अपने परिवार के साथ, शंकर भुटानी भैया भी आ गए, और मातेश जी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਭੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੋ ਯੇ ਉਹ ਤੇਰੀ, ਯੇ ਪੀਛੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਗੇ ਆਈਏ ਯਾਰ। ਰੋਬਿਨ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ। ਤੋ ਯੇ ਘਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਨਕੀ ਖੁਸ਼ੀਓ ਮੇ, ਦੀਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਓ ਮੇ 20% ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲੈਤੀ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਥਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇ ਰੱਖ ਦੀਜੀਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੀਏ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।
सदियां ते असी आए आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। मेरी आपसे प्रार्थना यहां पर भैया तुसी इत्थे आओ, जरा मेरे को इत्थे आओ। ये मेरे छोटे भैया हैं इनके यहां 10 दिसंबर को मैं भगवती मां की चौकी करने के लिए आ रहा हूं। मैंने आपसे बताया था ना, ये होशियारपुर वाला मेरा यार है सुखविंदर जी, भगवती माता रानी की अपार कृपा है। और सारा दीवान फैमिली मेरे साथ मिलके भगवती माँ की आराधना करेगा। और जय माता की, जय माता की। रजीव जी आप यहाँ पर, राजीव जी जैसे आपने अनुराधा जी, ओ दीदी कोई गल नहीं, ये सारे आ जाने। तुसी अगर इत्थे बैठे रहे इन सारे ने आना। जैसे आपने बोला था ना, उससे भी खूबसूरत जोड़ी बनी है ये माता रानी, बुरी नजर से बचाया, क्या बात है। तो अब मेरे साथ मिलके कहिए, साडे घर विच शगना दा दिन आया, साडे घर विच शगना दा दिन आया।
चला